मॉनसून के आखिरी में हो रही बारिश के चलते बिलासपुर से नैना देवी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है, जिसके चलते सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। एक और बिलासपुर के आईटीआई चौक से इंडस्ट्रियल एरिया के बीच लैंडस्लाइड ने लिंक रोड को बंद कर दिया है, तो वहीं नैना देवी भांकरा नंगल मार्ग भी लैंडस्लाइड से खासा प्रभावित हुआ है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को खुद ही सड़क मार्ग खोलने को लेकर पहाड़ी से गिरा मलबा व पत्थर उठाने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर स्थानीय बाजार की दुकानों में भी पानी जा घुसा है, जिससे दुकानदार भी खासे परेशान है। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले स्थानीय लोगों की माने तो मंगलवार सुबह ये लैंडस्लाइड हुआ, जिससे उन्हें भी खतरा बना हुआ है। वहीं उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग और इंडस्ट्रियल एरिया कमेटी प्रबंधन से जल्द मलबा हटाने व डंगा देकर गिरी दीवार को सुरक्षित करने की अपील की है, ताकि उनके परिवार को जान माल की कोई हानि ना हो सके। आज रात को जो है बारिश ज्यादा हुई और उस बारिश की वजह से स्लाइडिंग हो गई यहाँ मेरे घर के सामने, तो इससे मेरी इंडस्ट्री के सामने जो नुकसान हुआ ये आईटीआई का भी हो गया कुछ नुकसान, अब मेरा भी नुकसान हो सकता है। अगर ज़्यादा स्लाइडिंग होगी तो मेरा भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो और ज़्यादा स्लाइडिंग हो जाएगी। तो इससे प्रशासन को मेरी तरफ से यही वो है कि मेरे इसको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करें, ताकि ये जो है ना ये मतलब नुकसान से बच जाए, मैं भी मेरा इंडस्ट्री भी बच जाए और ये जो है आईटीआई का भी बच जाए, आईटीआई भी बच जाए। आज नैना देवी के मंदिर में दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उससे बड़ी बात ये है कि आज पहली बार ज़िंदगी में मैं इतनी बारिश देख रहा हूँ जो नैना देवी के मंदिर में पड़ी। बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी और श्रद्धालुओं में जो जोश है वो देखने काबिल है। इतनी बारिश में भी हमारे दूर दूर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं माता जी के दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही जो हमारा यहाँ पर प्रशासन है उन्होंने भी अच्छे जो यहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं, दर्शन जो मैया के बड़े प्यार से करवाए जा रहे हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। तो मैं अपने जितने भी तिगारी वर्ग का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मंदिर में इस तरह की जिन्होंने व्यवस्था की है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।